तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 8 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए 10,000 के अंदर बेस्ट 5G स्मार्टफोन तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। प्रेजेंट टाइम पे इंडियन मार्केट पे जितने सारे 5G स्मार्टफोन मिलता है अंडर 10,000 में, उन सभी को मैंने इस वीडियो पे सिलेक्ट किया है, जहाँ पे इन सभी डिवाइस के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में मैंने बात किया है। तो कौन सी डिवाइस में सबसे अच्छी फीचर मिलेगा या फिर आपके लिए कौन सी डिवाइस बेस्ट होगा, वो जानने के लिए वीडियो में बने रहना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो इस लिस्ट की सबसे पहली डिवाइस आता है मोटोरोला की न्यूली लॉन्च डिवाइस मोटो G32। तो अंडर 10,000 में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एक 5G स्मार्टफोन है फीचर वाइज, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कुछ मिलने वाला है, एक एक करके सब कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो काफी प्यारा सा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलेगा जो काफी प्रीमियम फील देगा इस डिवाइस को। और पे बात करें फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। हाँ दोस्तों, 10,000 के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। और मुझे इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात लगी, इस डिवाइस में आपको 13 5G बैंड मिल जाएगा जो इंडिया की सभी 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, वही पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो भी इस डिवाइस को काफी यूनिक मानता है इस प्राइस पॉइंट पे। वही पे बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 वर्जन पे रन होगा, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, ये डिवाइस IP53 की रेटिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही देख सकते हो, फीचर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे अच्छे मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो प्राइस वो 11,000 रहने वाला है लॉन्चिंग टाइम पे, पर मैक्सिमम टाइम आपको कोई भी सेल पे 10,000 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 पे आप कभी भी खरीद सकते हो। तो इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, तो आप इसे जरूर ले सकते। तो दोस्तों, ये डिवाइस है पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च पोको M6, जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट जो 6nm पे बेस है, और ये 5G चिपसेट है। और पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग, तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों, इस मोबाइल की पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरिएंट ब्लू। मुझे जो ओरिएंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों, इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों, ये तो इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 10,500 है। और दोस्तों, यहाँ पे लॉन्च सेल पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस बोर्ड 9,500 हो चुका है। और इस प्राइस पॉइंट पे ये एक काफी अच्छा सा एक 5G डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस, तो इस डिवाइस को जरूर ले सकते।
खरीदने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस है रेडमी की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस रेडमी 13C 5G, जहाँ पे आपको 10,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो एक एक करके इसके सभी फीचर को जान लेते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलने वाला 90Hz के रिफ्रेश रेट विद 450 नीट पीक ब्राइटनेस। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको काफी अच्छी कैमरा भी मिलने वाले। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक प्रोसेसर है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 12 5G सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब इस डिवाइस पे आप दोनों ही 5G सिम यूज कर सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, 128GB प्लस 4GB, 128GB प्लस 6GB और 256GB प्लस 8GB। उसके साथ साथ जो वर्चुअल रैम के सपोर्ट है वो भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप आपके रैम को मल्टीपल कर सकते हो। वहीं पे बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको Android 13 और MIUI 14 रन होता हुआ मिलेगा। दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और वहीं पे दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसके जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB, उसकी प्राइस 11,000 है। और यहाँ पे कोई भी सेल आता है तो 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम 10, तो इसकी प्राइस अंडर 10,000 तक आ जाता है। और नॉर्मल टाइप पे इसकी प्राइस 11,000 रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप जरूर ले सकते हो, काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। है इनफिनिक्स की तरफ से, जैसे ही पता है इनफिनिक्स बजट में काफी अच्छे अच्छे मोबाइल निकालता है, तो ये डिवाइस इनफिनिक्स की सबसे अच्छा एक बजट 5G डिवाइस है। ये है इनफिनिक्स की इनफिनिक्स हॉट 20 5G। तो एक एक करके इसके सभी फीचर को आप जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा, अप टू 580 पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट। डिस्प्ले काफी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक AI लेंस भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बात करें फोन कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का आपको फोन कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस और 5G कनेक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6020 5G प्रोसेसर, जिसकी AnTuTu स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है। तो काफी तगड़े आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। तो इस मोबाइल पे आप गेम भी खेल सकते हो काफी अच्छी तरीके से, फ्री फायर पबजी चल जाएगा, AnTuTu स्कोर काफी सही है। और दोस्तों बात करें 5G बैंड की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 10 5G बैंड, अदर बैंड पे आपको 8 या फिर 6 5G बैंड प्रोवाइड करता है, पर इनफिनिक्स इस मोबाइल पे आपको 10 5G बैंड देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर सभी फीचर की बात करें, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 रन मिलेगा 113 की साथ। रैम रोम की बात करें, तो बेस वेरिएंट पे आपको मिलने वाला है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज, जो काफी सही है। तो दोस्तों आप बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो दोस्तों इसकी जो बेस वेरिएंट है मतलब 4GB 128GB, उसकी प्राइस 11,500 यहाँ पे आप देख सकते हो। पर दोस्तों ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, और इसकी जो प्राइस वो 10,500 आप देख सकते हो। पर दोस्तों जब फ्लिपकार्ट पे सेल चलता है तो ये मोबाइल 10,000 के अंदर भी आ जाता है। तो दोस्तों आप अगर सेल पे खरीदते हो तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे ये 10,000 के अंदर मिल जाएगा, और नॉर्मल टाइम पे आपको 10,500 पे करना होगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप अगर 10,000 के आसपास एक 5G डिवाइस लेना चाहते हो, तो इनफिनिक्स के इनफिनिक्स हॉट 30 5G का जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों इसलिए इसकी जो नेक्स्ट डिवाइस आता है वो है इंडिया का सबसे सस्ता चीपेस्ट 5G मोबाइल, पर फीचर आपको काफी अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये है लावा की तरफ से लावा विलेज 5G। तो एक एक करके इसकी सभी स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन, तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी प्रीमियम सा होने वाला है। और जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो भी काफी यूनिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अदर फीचर की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz की होने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा,
जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा और सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा और उसके साथ साथ 0.3 एमपी का एक लेंस भी मिल जाएगा। और दोस्तों आप मेन कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकते हो जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की तो आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों आप बात कर लीजिए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको मिलने वाला 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर जो 7 NM पे बेस है। और दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है तो यहाँ पे आपको 8 5G बैंड देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे 8 5G बैंड काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB प्लस 3GB रैम मिलेगा जब 3GB वर्चुअल रैम होगा। उसके साथ साथ EOFS 2.2 टाइप के 128GB का रोम मिल जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। अदर्स कुछ यूनिक फीचर के बारे में बात करें तो इस मोबाइल से आप YouTube को बैकग्राउंड पे चला सकते हो जो काफी अच्छी बात है और उसके साथ साथ जो एनोनमस कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये दो फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में तो इसकी जो प्राइस 9300 है पर सेल पे 8500 के आसपास आ जाता है। ठीक है तो 8500 पे 5G मोबाइल काफी अच्छी बात है। मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस नहीं है। और तो दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस आता है वो आता है आईटेल की तरफ से आईटेल P55। तो दोस्तों आईटेल ब्रांड को आप ऐसे वैसे मत समझना, ये इन्फिनिक्स की एक सब ब्रांड है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसे एक 5G डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट जिसके एंटीटू स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है। हाँ दोस्तों इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी होने वाले है। इस मोबाइल पे आप थोड़ी बहुत गेम भी खेल सकते हो, फ्री फायर पबजी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ आपको 12GB का रैम मिल जाएगा जहाँ पे 6GB इंटीग्रेटेड है और 6GB आपको वर्चुअल रैम मिलेगा। और दोस्तों 128GB का आपको स्टोरेज भी मिल जाएगा जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो अदर फीचर में यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.6 इंचेस का HD प्लस IPS डिस्प्ले जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है। तो डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। उसके साथ साथ बात करें कैमरा की तो कैमरा इस मोबाइल की काफी तगड़ी होने वाली है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। एंड्रॉइड 13 इस पे रन होगा। और दोस्तों इस डिवाइस की मुझे सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पे आपको मिलने वाला 2 ईयर की वारंटी। हाँ दोस्तों 2 साल की वारंटी मिल जाएगा जो काफी अच्छी बात है। दोस्तों ये तो गए इसकी सभी फीचर। अब इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल टाइम में इसकी जो प्राइस 10,500 रहता है पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसकी जो प्राइस 9,000 के आसपास रहता है। तो 9,000 में काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो इस प्राइस पॉइंट पे इस मोबाइल को जरूर ले सकते हो। सबसे बड़ी बात आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाता है। दोस्तों इसलिए इसकी जो नेक्स्ट डिवाइस वो पर्सनल मेरी फेवरेट है इसकी प्रीमियम लुकिंग की वजह से। यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, उसके साथ साथ रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाता है। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको रिंग लाइट की फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों ये डिवाइस है लावा की तरफ से लावा ब्लेज 2 5G जो ब्लेज की अपग्रेडेड वर्जन है। तो एक एक करके इसकी भी सभी फीचर को जान लेते हैं आप। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो एक बजट डिवाइस है पर बैक के लुक से लगेगा एक प्रीमियम सा एक डिवाइस है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विथ ऑरा लाइट। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा जो काफी अच्छे एक फीचर होने वाले हैं बजट डिवाइस के हिसाब से। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं बाकी फीचर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का LCD सेंटर कंसोल डिस्प्ले जो प्राइस सबसे ठीक ठाक सा है। और प्रोसेसर मिलेगा डायमेंसिटी 6020 5G प्रोसेसर। तो प्रोसेसर काफी पावरफुल होने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और दोस्तों इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर के बारे में फिर से मैं बता दूं तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास की बैक जहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा। और दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा विथ 5V कैमरा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा
जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको 5000 एमएएच का बैटरी मिलेगा विद 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो देख सकते हो सभी कुछ फीचर आपको एकदम एक्स्ट्रा लेवल का मिल रहा है और लुक एंड डिजाइन भी काफी सही है। तो दोस्तों बात करें प्राइस की, तो इसकी जो 4GB प्लस 64GB वेरियंट है उसकी प्राइस 9999 मतलब 10,000 है। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट पे इस प्राइस पॉइंट में कोई भी 5G डिवाइस को प्रोवाइड नहीं कर रहा है और कर भी रहा तो इतने सारे फीचर को नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल ये है। तो आप अगर चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस को लेना तो आप आंख बंद करके इसके साथ जा सकते हो, काफी शानदार सा ये डिवाइस है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस है वो पर्सनली मेरे फेवरेट है इसकी परफॉर्मेंस की वजह से। इस प्राइस पॉइंट में आपको काफी पावरफुल सा एक चिपसेट मिल जाता है स्नैपड्रैगन 4Gen 2 जिसके एंथोस स्कोर 4 लेक्स से भी ज्यादा है। तो आप अगर 10,000 के अंदर 5G वाला एक गेमिंग डिवाइस भी लेना चाहते हो तो भी ये ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है और फीचर भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। तो बात करें ओवरऑल सभी चीज के बारे में तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़ी मोबाइल है। तो ये डिवाइस है पोको की तरफ से पोको M6 Pro 5G। तो दोस्तों अभी करंट टाइम पे इंडिया के अंडर 10,000 में सबसे अच्छा 5G मोबाइल यही है फीचर वाइज। तो एक एक करके इसके सभी फीचर को जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है जो इस मोबाइल को एकदम प्रीमियम लेवल का बना देता है। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे ये एक 5G गेमिंग डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 2 5G चिपसेट जो 4nm पे बेस है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी जो एंथोस स्कोर वो 4 लाख से भी ज्यादा है। तो इस मोबाइल पे आप फ्री फायर पबजी हाई लेवल पे खेल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी लैगिंग का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी टाइप की गेम प्ले आप इस मोबाइल पे कर सकते हो। तो आप अगर 10,000 के अंदर एक गेमिंग डिवाइस भी लेना चाहते हो तो ये मोबाइल काफी अच्छा ऑप्शन होने वाले है। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला बेस ब्रांड पे 4GB प्लस 128GB रोम, वही पे आपको दो ऑप्शन और भी मिलेगा 6GB 256GB और 8GB 256GB। वही पे बात करें डिस्प्ले की, तो पोको की सबसे बड़ी डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.79 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है। तो गेम प्ले के लिए 90Hz काफी फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे कैमरा भी आपको काफी तगड़ी मिलने वाला है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50MP का मिलने वाला है जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2MP का आपको एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB प्लस 128GB है उसके ओरिजिनल प्राइस 11,000 है पर मैक्सिमम टाइम आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलता है और कोई भी सेल पे आपको उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप देख सकते हो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस 9999 हो चुका है। तो अंडर 10,000 में ये मोबाइल काफी अच्छा है। उसके साथ साथ दो और वेरिएंट है 6GB 128GB जिसके प्राइस 12,000 है और 8GB प्लस 256GB जिसके प्राइस आपको 13,000। तो आप प्रॉपर गेमिंग के लिए आप अगर लेना चाहते हो तो 6GB 128GB आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकता है। तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग गया और वैसे भी आप नॉर्मल यूज के लिए 5G डिवाइस लेना चाहते हो तो 4GB 128GB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों यही था इंडिया का बेस्ट बजट गेमिंग 5G मोबाइल अंडर 10,000। तो दोस्तों वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसा वीडियो और भी देखने के लिए।